हे गाइस, वेलकम बैक। और जैसे कि आप ये पूरी हेडिंग पढ़ पा रहे हैं कि कैसे हमें नोट्स बनाने चाहिए, मेरे पास काफ़ी मेल्स और काफ़ी बार जो है ये क्वेरी आती है कि नोट्स हमें कैसे बनाने चाहिए। तो मुझे लगा कि एक सेशन इस पे जो है बनाना चाहिए ताकि आपको पता चले कि नोट्स कैसे, क्योंकि नोट्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते इस सेशन को। ये सेशन तो आपको देखना ही पड़ेगा किसी भी हालात में, क्योंकि ये आपके इतना काम आने वाला है कि आपको जो है इससे ज़्यादा कुछ, यानी कि और आप कितनी ही चीज़ पढ़ते रहिए लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे नोट्स बनाने हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अब मैं रोज आपको न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूं लेकिन उसके नोट्स आपको बनाने आने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। देखिए, आप कोई भी चीज आप याद करिए कि 5 दिन पहले जो आपने पढ़ी थी, क्या आपको याद है वो 5 दिन पहले? 5 days, ठीक है, आपको याद नहीं होगी। ठीक है, कोई चीज़ अगर मैं बता दूंगा कि मैंने ये पढ़ाई थी तो आपको उसको क्या होगा, एक दो पॉइंट याद आ जाएंगे, लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं। होगा क्या, क्योंकि जब जैसे 1 महीना 2 महीना होगा आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ रहे हैं लेकिन आप उसके नोट्स नहीं बना रहे, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ आपके जो है माइंड से जो है बिल्कुल निकल जाएगी और आपके पेपर के टाइम जो है उसको रेप्लीकेट नहीं कर पाएंगे। और देखिए, हमारा हमें मार्क्स किस पे मिलेंगे, जो हम पेपर में लिख के आएंगे। आपने चाहे 1 लाख आर्टिकल पढ़े हैं लेकिन अगर आपको याद नहीं है, किसी इंसान ने सिर्फ 100 आर्टिकल पढ़े हैं और वो याद करके रेप्लीकेट करके अगर आंसर में वो चीज़ लिख के आ सकता है तो उसको ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और ये मेजरली फोकस करेंगे हम यूपीएससी की जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि और जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो मैगजीन्स वगैरह से भी पढ़ सकते हैं लेकिन यूपीएससी इतना वाइड और डायनेमिक जो है, इतना इसका सिलेबस है या फिर बोल सकते हैं कि इतना ज्यादा डायनेमिक नेचर है पेपर का, तो उसमें जो है आपको जरूरत पड़ती है कि आप जो है कंसाइज करके चीजों को रखें। तो इसीलिए आज मैं बताने जा रहा हूं कि देखिए नोट्स कैसे बनाने हैं। मैं आपको पूरा फॉर्मेट भी लूंगा, पूरा बताऊंगा, न्यूज़पेपर से 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल लूंगा, दिखाऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या चीजें उसे नोट डाउन करनी है, कैसे कैसे करनी है। देखिए, दो तीन चीज याद रखिए सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले देखिए, द हिंदू के अंदर आपको यह पता होना चाहिए हिंदू पढ़ने से पहले कि आपके जो पेपर है जीएस के पेपर है, ठीक है, जीएस के आपको पता है 4 पेपर है, तो 4 पेपर में जैसे कौन कौन से पार्ट में कौन किस किस पेपर में क्या क्या पार्ट आता है। जैसे पेपर 1 है तो उसमें हिस्ट्री आती है आपकी, ठीक है, ज्योग्राफी आती है, प्लस में आपके सोशल इश्यूज आते हैं, सोशल इश्यूज। तो इस तरह की जो भी न्यूज आएगी तो आपको क्या करना है, 4 आपके रजिस्टर्स बना लेने, ठीक है, 4 रजिस्टर बना लेने, या फिर 4 अगर रजिस्टर भी आप नहीं बना पाते हैं या कोई और रीजन है तो उसकी जगह आप और भी चीजें कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको A4 शीट्स जो होती हैं, A4 शीट्स ले सकते हैं और A4 शीट्स को जो है यूज कर सकते हैं। तो A4 शीट्स जो होंगी वो भी जो है, यानी कि A4 शीट्स का आपने क्या की, एक आपने बंच बनवाया A4 शीट्स का, तो उस A4 शीट्स में आप बाद में एड ऑन भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं और A4 शीट्स भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन ये तो हो गया पेपर 1। पेपर 2 में आप आएंगे, पेपर 2 में आपका क्या होगा, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, पॉलिटी के कोई भी इशू हो गए तो पेपर 2 में आ जाएंगे, पेपर 3 में साइंस एंड टेक आ गया आपका, ठीक है, एनवायरमेंट आ गया, ठीक है, उसके बाद सोशल सोशल जो इशू या सोशल या सोशल नहीं जो सिक्योरिटी इश्यूज है, सिक्योरिटी इश्यूज आ गया, तो ये सब पेपर 3 में आ गया, और पेपर 4 आ गया एथिक्स। तो इस तरह आपको प्रिपेयर करना है, आपने 4 रजिस्टर बना लिए, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर उठाना है और आपको देखना है कि ये अगर न्यूज़ है तो कौन से जो है पेपर 1 में आएगी, 2 में आएगी, 3 में आएगी, 4 में आएगी, इससे आप जो आइडिया लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। देखिए, अब देखिए, हम एक न्यूज़पेपर पे चलते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है। ये देखिए, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर मैंने खोला हुआ है ताकि आपको जो है थोड़ा सा न्यूज़ पता चल सके और चीज़ें मैं दिखा सकूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक न्यूज़ है, उससे पहले कोई एक ये न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे न्यूज़ है ट्रिपल तलाक से रिगार्डिंग, ट्रिपल तलाक जो बिल है ये क्लिफ हैंगर इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में ये अटक गया है जो ट्रिपल तलाक का बिल है। अब ये क्यों अटका है, आपको इश्यूज पता होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ दी है, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज बिल 2019, यानी कि ट्रिपल तलाक का बिल है उसका नाम ये है। तो आपको क्या करना है, कॉपी में जैसे ये हेडिंग लिख लेनी है सबसे पहले कि ट्रिपल तलाक बिल क्लिफ हैंगर इन राज्यसभा। क्या होगा, जब आप ये हेडिंग पढ़ेंगे तभी आपको अंदर का पूरा याद आ जाएगा, क्योंकि आपने नोट्स जो है अपने हाथ से बनाए थे। देखिए, एक और याद रखिए, 2 तरीके से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, नोट्स आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप डिजिटली नोट्स बनाए, यानी कि आपने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते गए और आपने न्यूज, लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं होगा। देखिए, जब तक, क्योंकि पेपर में भी हमें हाथ से ही लिखना है, तो हम जब तक हाथ से चीजों को नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक हमें बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये पूरा लिख लेना है कि जो ट्रिपल तलाक बिल है क्लिफ हैंगर इन राज्यसभा, आपने हेडिंग लिख ली। अब इसके अंदर आपने ये फिर ये आर्टिकल पढ़ा, आपने यहां पढ़ा इसका नाम क्या है, बिल का नाम क्या है, मुस्लिम विमेन
ब्रैकेट में प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019, आपने क्या किया यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे लिख ली, ठीक है, ये चीज यहाँ निकली नंबर वन पॉइंट। मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट में सारा आर्टिकल कवर हो जाएंगे। कितना टाइम लगेगा, देखिए आपने पढ़ी, एक पूरा आर्टिकल पढ़ने में आपको 2 से 3 मिनट मिलेगी लगेगी, और 2 से 3 मिनट आपको जो है नोट्स बनाने में लगेंगे, तो एक न्यूज में हो सकता है आपको 10 मिनट लग जाए। तो आपको टोटल कितनी ही काम की न्यूज होती है, टोटल जो है मैक्सिमम 15 से 20 ही जो है चीजें काम की होती है। तो आपको कितना लगा मैक्सिमम, मैक्सिमम बता रहा हूं आपको 200 मिनट, ये तो ज्यादा बता दिया, यानी कि समझ लिया आप बहुत अच्छे से करते जाएंगे, जब चीजें रिपीट होनी स्टार्ट होंगी तो आप जो है 2 घंटे के अंदर ये काम कर सकते हैं, और शुरू में आपको हो सकता है 3 घंटे भी लग जाए। तो 2 से 3 घंटे जो आप ये इन्वेस्ट करेंगे बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। अब सेकेंड आपको क्या लेना है, फिर से न्यूज पेपर पर जाइए, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, देखिए यहां पर देखिए कि क्या हो रहा है। ये कहते हैं लेजिस्लेशन मेक्स इट इलीगल फॉर ए मुस्लिम मैन टू डिवोर्स हिज वाइफ बाय अटरिंग द वर्ड तलाक, यानी कि कोई भी अगर तलाक वर्ड 3 बार बोलता है तो वो जो है इलीगल है, और उसके लिए जो है जेल टर्म भी दिया 3 साल का। तो आप यहाँ पे ये चीज लिख लेंगे सेकेंड, कि यहाँ पे जो है ये ट्रिपल तलाक, जो 3 बार तलाक जो बोलते हैं वो इलीगल है, प्लस यहाँ पे आपने लिख लिया 3 साल की 3 ईयर इंप्रिजनमेंट, ठीक है। आपने अपनी राइटिंग में लिखना है, आपको बिल्कुल जो वहां लिखा हुआ उतारना नहीं है। क्या चीजें उतारनी है, देखो ये चीज तो उतारनी ही पड़ेगी क्योंकि ये तो एग्जैक्ट है, ये बिल बिल का नाम ही ये है, लेकिन ये चीज आप यहां पे लिख सकते हैं कि 3 तलाक जो है ये बोलना एक तरह से इलीगल है, और 3 बार जो है 3 साल की इंप्रिजनमेंट मिलेगी या जेल मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखना आपको अपर हाउस में ये चीज जो है पास नहीं हो रही है, लोकसभा में पास हो गई है लेकिन अपर हाउस में नहीं हो रही है, पहले गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई थी। तो यहां पे आप लिख लेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्या आ रहा है आपने लिख लिया, राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है। 4 नंबर अब इसी को लिख सकते हैं, क्यों नहीं हो रहा है यहां पे लिख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ये जो क्रिमिनैलिटी वाला ऑप्शन है, अभी आगे हम पढ़ेंगे हम कि जो क्रिमिनैलिटी, यानी कि एक अगर 3 बार तलाक बोल के कोई तलाक देता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, तो यहां ये क्रिमिनल की तरह माना जाएगा वो चीज, और गवर्नमेंट जो है ये जो प्रोविजन है 3 साल का जो क्रिमिनल मान के और उसको जो है सजा दी जाएगी, ये चीज जो है राज्यसभा मानने को तैयार नहीं। अब देखिए यहां पे आलतू फालतू चीजें लिखी हुई थी, ये सब आलतू फालतू चीजें हैं जो कि बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, ना आपको लिखने की जरूरत है। यहां पे कितने मेंबर है राज्यसभा के, कितने हैं लोकसभा, कितने हैं जो इसको मानने को तैयार है नहीं है, ये सब फालतू की चीजें हैं, बिल्कुल हमें छूनी नहीं है। हमें देखिए पूरे आर्टिकल में सिर्फ 3 या 4 ही चीजों पे आपका बन गया, ठीक है, 3 या 4 चीजों पे आपका नोट्स बन गया। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, आप हेडिंग लिख के आप जो इस तरह फ्लो चार्ट बना सकते हैं, 1 2 3, यहां आपने लिखा 3 साल की सजा, ठीक है, यहां पे ये इलीगल है, इलीगल 3 टाइम वो बोलते हैं, ठीक है, 3 बार अगर तलाक 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 बोलते हैं तो। उसके बाद यहां पे आपने लिखा इस बिल का नाम क्या है, यहां पे या तो बिल का नाम लिख लिया, ठीक है। थर्ड उसके बाद लिखा राज्यसभा में अपोज हो रहा है इसका, ठीक है, क्यों हो रहा है, यहां पे आपने थर्ड लिखा अपोज इस वजह से हो रहा है क्योंकि क्रिमिनलिटी जो क्लोज है उसको जो है गवर्नमेंट हटा नहीं रही है, जबकि राज्यसभा के कुछ मेंबर्स चाहते हैं कि इसको क्रिमिनल घोषित ना किया जाए। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी अगर हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके अंदर भी जो है क्रिमिनलिटी नहीं होती, अगर किसी को तलाक देते हैं तो प्रॉपर प्रोसीजर है। तो ये कह रहे हैं ये 3 ऑप्शन लिख ली। अब कल का क्या होगा, यहाँ पे नीचे आपको स्पेस छोड़ देना है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, कल को जब आपको फिर ये न्यूज आएगी, हो सकता है पास भी हो जाए, तो फिर ये न्यूज आएगी तो आपने वहां पर ये चीज ऐड कर लेनी है। तो समझ गए आप बात को। तो इस तरह आपका ट्रिपल तलाक रिगार्डिंग आपको पूरी नॉलेज होती जाएगी, आपके पास कम से कम 10-15 पॉइंट होंगे, आपको पूरी न्यूज हो गई, आपको राज्यसभा अपोज कर रहा था, कल को हो सकता है राज्यसभा में एनडीए गवर्नमेंट की मेजोरिटी आए, राज्यसभा भी इसको पास कर दे, तो आपके पास होगा कि पहले राज्यसभा अपोज कर रही थी बट बाद में गवर्नमेंट मेजोरिटी आने के बाद इसको पास कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है पास किया गया, ये तो फैक्ट है, अब क्या इश्यूज आ रहे थे, क्यों नहीं पास किया जा रहा था, तो वो सब चीजें आपको मेंशन होगी। तो इस तरह पूरी न्यूज आपके पास एक पेज के अंदर, ट्रिपल तलाक अभी तो देखिए बेसिक बताया हमने, अभी नेक्स्ट न्यूज़पेपर में कुछ और भी आएगा, नेक्स्ट डे कुछ और आएगा कि पहले क्या होता था, एक इसमें आएगा किस किस कंट्री ने जो है ट्रिपल तलाक जो है बैन कर दिया, आपको मान लो 2-3 कंट्री का नाम आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, ईरान आ जाए, तो आप यहां पे ऐड कर लेंगे। फिर जो है और चीजें कुछ आई कि यहां पे और जो कंट्रीज थी जो जहां पे मुस्लिम आके बसे कम जनसंख्या में थे, वहां पे इस तरह की जो मुस्लिम जो या शरिया लॉ से जो चलते थे वो चीजें बैन हो गई, जैसे ईरान या कोई और कंट्री, इराक वगैरह में, जैसे कि आप विमेन्स जो है पर्दा सिस्टम, एक पर्दा सिस्टम यानी कि जो अपना
नकाब वाला है, नकाब वाला एक आर्टिकल हमने पढ़ा था कि तीन चीजें जो है ये बिल्कुल गलत होती है मुस्लिम जो शरिया लॉ में, जैसे नकाब वाला नकाब पहन के चलते हैं, नकाब नहीं क्या बोलते हैं उसको, बुरका, सॉरी नकाब मैं बोल रहा हूँ, बुरका, जैसे बुरका होता है ठीक है, बुरका अलाउड नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे जो है ये भी पुराने टाइम की चीजें हैं। तो ये चीजें आप ऐसे ऐड करते जाएंगे तो आपके पास, आप कभी बताएगा शरिया लॉ है, अभी शरिया लॉ आपने ऐड कर लिया, तो ऐसे आपके एक एक वर्ड्स जो हैं वो आपको इतनी नॉलेज एनहेंस कर देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप रिविजन करेंगे, जब आप एक महीने बाद अपने नोट्स उठाएंगे रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा मेरे पास कितनी चीजें हैं। और इस तरह की देखिए सिर्फ एक जगह काम नहीं आएगी, देखिए कहाँ कहाँ ये चीज काम आएगी। सबसे पहले आपका जीएस के पेपर है, आपका सब्जेक्ट कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, कहीं ना कहीं अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो पेपर टू में जो बनाया आपने वो काम आएगा, अगर आपका सोशल यानी कि सोशल साइंस से रिगार्डिंग कोई या सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो पेपर वन में जो नोट्स बनाए वो काम आएंगे, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो पेपर टू का काम आएगा, ठीक है, साइंस का कोई सब्जेक्ट है तो पेपर थ्री का आएगा। तो यहाँ काम आया, जीएस में काम आया, प्लस एसए में काम आएगा, आपको एसए में बहुत काम आने वाली ये चीज़, प्लस आपका पर्सनल जो इंटरव्यू होता है ठीक है, पर्सनल या फिर जो आपका इंटरव्यू के लिए आप जब जाते हैं तो वहां पे आपको इतनी ब्रॉड नॉलेज हो जाएगी, आपको ये चीज हर हर जगह काम आने वाली है ठीक है। तो ऐसे नोट्स बनाने हैं, और ये देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको सजा के धजा के बनाने हैं, दुनिया को दिखावा करना है कि मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं, ये देख लो आपके भी काम आएंगे। आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आपके पढ़ने के काम आ जाए, आप जब पढ़ने लगे आपको वो चीज समझ आए और आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाए, उसी तरह की चीजें नोट्स बनाने हैं। आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि दुनिया को आप दिखाएं मैंने इतने नोट्स बना लिए, मैंने इतनी मेहनत कर रहा हूं ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं, सिलेक्शन कितने लोगों को होता है ये आपको भी पता है। तो इस वजह से मेहनत के साथ साथ जो है आपको वो दिखावा करने की जरूरत है, तो साथ में अपनी अपनी लैंग्वेज में बनाना है, अपनी राइटिंग में बनाना है, ग्रामर का ध्यान नहीं देना, आपको ग्रामर ग्रामेटिकल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखा इतना बिल का, जैसे मैंने बताया बिल बिल आपने लिख लिया ठीक है, ट्रिपल तलाक का बिल आपने लिख लिया और बिल के साथ आपने क्या किया, एक सेकेंड, हाँ आपने यहाँ बिल लिखा ठीक है, बिल का नाम यहाँ पे आपने, या फिर आपने ऐसे फ्लो चार्ट बना लिया, यहाँ बिल का नाम लिखा, आपने यहाँ लिखा 3 साल की सजा, 3 ईयर जेल या इंप्रिजनमेंट ठीक है, राज्यसभा ओपोजिस ठीक है, ये जो है या फिर शरिया लॉ में दिया हुआ है, शरिया लॉ में दिया हुआ है, पहले ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस जो है लैप्स हो गया ठीक है, इस तरह आपने ऐसे लिख दिया, या फिर कौन सी कंट्रीज है, कंट्रीज जिन्होंने बैन किया हुआ है, आपने 3 4 नाम लिख दिए, ईरान, इराक, इस तरह पाकिस्तान, ऐसे आपने पूरा नोट्स बना लिए। अब आपको ये आपको इतना ही नोट्स बनाने हैं बस, आपको हवाबाजी नहीं लिखनी है कि ऑर्डिनेंस हैज बीन पास बट इट हैज बीन लैप्स्ड, ये वो ग्रामेटिकल कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ग्रामर पेपर में लिख लेंगे आप, सिर्फ आपको चीजें याद होनी चाहिए, ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरह आपको नोट्स बनाने हैं ठीक है। तो जैसे दूसरा आर्टिकल भी मैंने लिया हुआ है, बट एक से शायद आप चीजें समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि दूसरा आर्टिकल भी मुझे आपको समझाने की इतनी ज्यादा जरूरत है ठीक है। ये देखिए मैंने वैसे दूसरा भी आर्टिकल लिया था यहाँ पे, इंडिया अफगान ट्रेड चॉक्स यूएस कब्स ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे और इसमें क्या है, दो तीन चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे जब लिखने लगेंगे आप। तो इसमें क्या बताया हुआ कि जैसे यूएस ने जब सेंक्शंस लगा दी है ठीक है, छावार पोर्ट की फंडिंग हमने भी कम कर दी है, तो उससे क्या करेंगे आप, ऐसे लिखेंगे छावार पोर्ट इंडिया के, इंडिया यूएस ने सेंक्शंस लगाई ठीक है, उसके बाद इंडिया के बजट बजट के अंदर 2/3 इसकी कम कर दिया, इसके बेनिफिट्स क्या थे, हम जो है ट्रेड कर पा रहे थे अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया से, फिर आप फोर्थ चीज लिखेंगे, तो ऐसे आपका जो है इतनी नॉलेज हो जाएगी। और ज्यादा आपका मन करता है और भी अच्छे से करना है तो आपको मैप खोल के आप थोड़ा सा मैप भी बना सकते हैं। और देखिए ये चीज एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आप जब इंप्लीमेंट यहां करेंगे, इस तरह के फ्लो चार्ट ये बनाया आपने, इस तरह के फ्लो चार्ट्स बनाए या फिर इस तरह कोई डायग्राम बनाए, सिमेट्रिक डायग्राम, पहले ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसे हुआ, कोई सीक्वेंस में चल रहा है, क्रोनोलॉजी में कुछ चल रहा है, तो ये चीजें आप नोट्स में इंप्लीमेंट करेंगे तब आपके जाके पेपर में भी चीजें इंप्लीमेंट होगी। तो इसलिए जो है ये चीज बहुत बेनिफिशियल है। और आज के टाइम में पैराग्राफ वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं, आज अगर पॉइंट्स में भी आप आंसर लिख के आते हैं और आप इस तरह जो है डायग्राम फ्लो चार्ट ये सब बनाते हैं तो इसमें बहुत मार्क्स मिल रहे हैं और सिलेक्शन हो रहे हैं ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, ऐसे नोट्स बनाने हैं, मैंने सिर्फ एक तरीका बताया। अगर सपोज कीजिए जैसे मैं आपको बताता हूँ,
मैं जैसे आपको पढ़ाता हूँ सुबह एडिटोरियल, तो आपका एडिटोरियल से क्या करना, मैंने पढ़ाया आपको, उसकी हेडिंग लिखनी है और मैंने आपको 10 चीज़ बताई, तो आपको वो 10 चीज़ें जो हैं काम काम के आपको लगे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट डाउन कर लेनी है कॉपी के अंदर, ठीक है, पढ़ते पढ़ते ही। तो आपका 30 मिनट के अंदर एडिटोरियल हो गया और पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में बची हुई 30 ही मिनट लगेगी, तो 1 घंटे में आपका पूरा जो है पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 2 घंटे लगेंगे, ये 2 घंटे आपको कितना ज़्यादा पे करेंगे ये आपको जिस टाइम आप मेंस दे रहे होंगे उस टाइम आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।